सागर जिले के बहरिया थाना अंतर्गत करारपुरा चौकी ग्राम सढ़ेरी में नाबालिग लड़के के फांसी लगाने की घटना सामने आई है। परिजनों के जानकारी के अनुसार रात के करीब 12:30 बजे मृतक को पेड़ से लटका देखा गया। मृतक की आयु 17 वर्ष बताई जा रही है। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच कर लाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया है। मृतक के पिता संतु धाना का कहना है कि घर में कोई विवाद नहीं हुआ, वही मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं है, पुलिस जांच में जुटी। समस्या जी, हम सभी उठे सो लोटा लेके जा रहे ना यार मिलो रोने का, मैं देखने आया तो यहाँ फांसी लगा लगी थी संतोष धानक के बच्चे ने, हल्के वाले। अच्छा, बच्चे का नाम क्या है? आकाश। उम्र कितनी है बच्चे की? 17 वर्ष। 17 वर्ष है, ठीक है। मतलब कोई कारण ऐसा तो है नहीं है कि कोई भी घर में लड़ाई हुई? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो सवेरे आए सो यहाँ लगी, फिर मैंने पुलिस फोन लगवाया, बुलाया, पुलिस आई। आज सुबह 8 बजे के लगभग चौकी कर्रापुर पे सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम सढ़ेरी में एक लड़के ने फांसी लगा ली है। तो जब हम वहाँ पर पहुँचे तो पता चला जो मृतक के चाचा थे उन्होंने बताया कि रात को 6 तारीख के लगभग 12:30 बजे रात को फ़ोन आया था उसकी बहू का, जिसने बताया था कि हमारे भतीजे ने फांसी लगा ली है। तो मैं और लड़के का पिता संतोष धानक दोनों यहाँ पर अपने गांव सढ़ेरी आए। यहाँ पर आकर देखा तो संतोष धानक का जो लड़का है छोटा वाला विकास धानक, उसने पेड़ पे फांसी लगा ली थी और मृत्यु का भी कारण पता नहीं चल पाया है। हमने नाबालिग होने के नाते उसको FSL टीम को बुलाया है और मर्ग पंचनामा कार्रवाई करने के लिए मर्ग जाँच में लिया गया है। अभी खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत TV को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।